स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अंकीय परिसीमन क्या होता है, क्यों केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में परिसीमन लगाना चाहती है, कैसे परिसीमन लगाया जाता है और क्या जरूरत है परिसीमन लगाने की। इन सभी के टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन और पल की अपडेट भी आपको मिलते रहेंगे। बात करते हैं परिसीमन के बारे में, क्या होता है परिसीमन। देखो, परिसीमन की बात की जाए तो किसी भी क्षेत्र के लिए विधानसभा और लोकसभा की राजनीतिक सीमाओं का रेखांकन करना ही परिसीमन होता है। अर्थात किसी क्षेत्र विशेष के लिए लोकसभा और विधानसभाओं के लिए राजनीतिक सीमा तय करना ही परिसीमन है। और एक इजी लैंग्वेज में और बोल दिया जाए तो परिसीमन का मतलब होता है किसी क्षेत्र के लिए लोकसभा और विधानसभा के लिए यह है निर्धारित करना कि किस क्षेत्र के लोग किस लोकसभा या विधानसभा में वोट देंगे। एक इजी वे में बोले तो किस क्षेत्र में लोग विधानसभा या लोकसभा में वोट देंगे, इसी का मतलब होता है क्या परिसीमन। अब बात करें संविधान के आर्टिकल 82 के अनुसार क्या होता है कि सरकार एक परिसीमन आयोग का गठन कर सकती है, क्योंकि हर 10 साल में जनसंख्या में बदलाव होता है, एसटी और एससी की जनसंख्या में बदलाव होता है। तो इस बदलाव के कारण केंद्र सरकार परिसीमन गठन करके किसी क्षेत्र विशेष की है ना लोकसभा या विधानसभा की सीटों को बढ़ा सकती है। तो आर्टिकल 82 में ये लिखा हुआ है, इसके अनुसार संशोधन किया जाता है। वही बात करें किस आधार पर किया जाता है परिसीमन, तो परिसीमन को देखो करने के लिए 5 चीजें चाहिए होती है। किसी क्षेत्र की क्षेत्रफल निर्धारित करता है परिसीमन लागू होने के लिए, वहां की जनसंख्या जरूरी है जनसंख्या के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, वहां की संचार व्यवस्था के आधार पर, और एक आता है अन्य कारण, किसी भी कुछ भी हो सकते हैं। तो 5 प्रकार पर निर्भर करता है परिसीमन। अब वही बात कि जम्मू और कश्मीर में परिसीमन की क्या जरूरत है, तो जम्मू और कश्मीर 2 संभाग है, जम्मू और कश्मीर। बात करें दोनों के कंपेरिजन के बारे में क्यों जरूरत है परिसीमन लागू करने की, तो हम बात करेंगे पहले जम्मू संभाग के बारे में। देखो जम्मू संभाग के बारे में बात करें, अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो टोटल पॉपुलेशन है 54 लाख, और वही बात की जाए तो यह जनसंख्या का कितना परसेंट रखती है राज्य का, तो यह जनसंख्या का राज्य का 23% पॉपुलेशन रखती है अपने राज्य की। वही बात करें जम्मू का कुल एरिया 26,200 किलोमीटर है, 26,200 किलोमीटर है, जो राज्य का 26% हिस्सा रखता है। और वही बात करें जम्मू कश्मीर से विधानसभा की सीटें कितनी है, 37 विधानसभा की सीटें हैं किससे, जम्मू कश्मीर से। अब बात करते हैं आगे विधानसभा के जम्मू से है ना, अब बात करते हैं वही कश्मीर संभाग के बारे में। देखो कश्मीर संभाग के 2011 की जनगणना के अनुसार कश्मीर संभाग की पॉपुलेशन है 68.88 लाख, वही ये पॉपुलेशन का हिस्सा रखता है कितना, 55% पॉपुलेशन का हिस्सा रखता है राज्य का। और एरिया की बात की जाए तो 16% एरिया रखता है कौन, कश्मीर। और बात की जाए यहाँ पर विधानसभा की सीटों की, तो यहाँ पर विधानसभा विधायक चुने जाते हैं कितने, यहाँ से टोटल कितने हैं 46 विधायक यहाँ से चुने जाते हैं। अब बात करते हैं आगे लद्दाख के बारे में, तो लद्दाख का एरिया कुछ ज्यादा बड़ा है और यहाँ से ओनली 4 सीटें ही किसकी हैं विधानसभा की, लेकिन इसको इस क्षेत्र में परिसीमन में आयोग में नहीं लाया जाएगा। बात की जाएगी ओनली कश्मीर और जम्मू पर है ना, इन दोनों पर ही लागू करने की बात है। क्यों चाहती है केंद्र सरकार परिसीमन आयोग का परिसीमन लागू करना जम्मू और कश्मीर में, तो इसका रीजन है कि असंतुलित सीटें, जिसके कारण क्या है, कश्मीर एक अलगाववादी इलाका है, यहाँ से हमेशा सरकार बनती है पीडीपी की। तो केंद्र सरकार चाहती है कि यहाँ से जम्मू वालों को भी मौका मिलना चाहिए, क्यों हमेशा सरकार बनती है पीडीपी की, जम्मू को कोई मौका मिलता नहीं है, तो सीटों का असंतुलन है। कश्मीर में बात की जाए तो 46 सीटें कश्मीर से आती है, 37 आती है जम्मू से, तो यहाँ से जम्मू से अपनी सरकार बनाना मुश्किल हो जाता है ना। तो यहाँ से परिसीमन आयोग का गठन करके एसटीएससी की सीटें बढ़ा के यहाँ से है ना, ऐसे एसटी की जनसंख्या में बदलाव हो जाता है 10 साल, तो यहाँ से सीटें बढ़ा के दोनों में संतुलन बनाना ही केंद्र सरकार चाहती है। दोनों में संतुलन बना के फिर इलेक्शन हो तो यहाँ से जम्मू वालों को भी मौका मिल सकता है, इसलिए केंद्र सरकार चाहती है परिसीमन आयोग लागू करना यहाँ पर।
बात करें आगे कि परिसीमन आयोग कैसे लगाए, बात करें वहीं परिसीमन कैसे किया जाएगा, तो परिसीमन करने के लिए क्या करना होगा, परिसीमन करने के लिए संसद में एक बिल लाना होगा, परिसीमन आयोग का गठन करना होगा केंद्र सरकार को, फिर संसद में एक बिल लाना होगा। अगर संसद की अनुमति मिल जाती है ना, संसद की अनुमति मिल जाती है तो वहाँ ST/SC का आरक्षण का नया प्रावधान लागू हो जाएगा और वहाँ से परिसीमन आयोग परिसीमन लगाया जा सकता है। तो संसद के लिए पहले संसद में लाना होगा परिसीमन को, फिर वहाँ से संसद क्या है अगर पास कर देती है तो परिसीमन आयोग लागू हो जाएगा। तो ये था परिसीमन का पूरा जो भी था ना, कि कैसे लागू किया जाता है, क्यों झलक पड़ रही है, किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, सभी चीज़ें हमने आपको बता दी। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।